वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हल बादल उप्रेति। गाइस, मेरा चैनल जो है टोटली फिटनेस से रिलेटेड है। अगर आपको बॉडी अच्छी रखनी है, फिट रहना है, फिटनेस से रिलेटेड आप कुछ भी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो सब मेरे चैनल पर आते हैं। मैं खाली बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं इसके अलावा भी कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो मैं खेलता हूँ। मैं पहले वॉलीबॉल खेलता था, इसके अलावा जो है फुटबॉल भी खेलता था, मैंने हॉकी भी खेली हुई है, मैंने कबड्डी भी खेली हुई है, मैंने बॉडी बिल्डिंग किया, मैंने मैन फिजिक किया, फिटनेस मॉडल किया, मैंने पावर लिफ्टिंग किया। लेकिन गाइस, मैं आज बात कर रहा हूँ आर्म रेसलिंग के बारे में। मैंने नेशनल में आर्म रेसलिंग भी किया, स्ट्रॉन्ग मैन मैंने खेला हुआ है, बॉडी पावर मैक्सिमम है। तो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्म रेसलिंग कैसे खेली जाती है। जब मैं खेलता था पहले तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था आर्म रेसलिंग का कि आर्म रेसलिंग खेली कैसे जाती है। लेकिन गाइस, मैं आज आपको बता देता हूँ कि आर्म रेसलिंग एक्चुअली खेलना कैसे होता है। इसके 3-4 टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने कैसे, अगर आर्म रेसलिंग खेलते हो तो उसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका आपने ध्यान रखना है। तो गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ आज कैसे आपने आर्म रेसलिंग खेली। लेकिन प्लीज़, उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें एक लाइक बटन होगा, एक बेल आइकन होगा, उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच जाएगी। ये भाई है, माशाल्लाह इनकी बाइसेप्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है इनके अंदर। ये आर्म रेसलिंग भी खेलते हैं, बहुत अच्छे आर्म रेसलर हैं ये। बट मैं आपको आज बता रहा हूँ कि कैसे आपने, अगर आर्म रेसलिंग खेलनी तो कैसे आपने सामने वाले को बीट करना है, कौन से 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए आर्म रेसलिंग खेली जाती है आपके बाइसेप्स से, बाइसेप्स, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स, इन तीनों में आपकी पूरी पावर होनी चाहिए, तभी आप आर्म रेसलिंग खेल सकते हो। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं गाइस, अगर आप कुछ भी ऐसा विदाउट नोइंग इफ़ यू प्लेइंग आर्म रेसलिंग, इट्स अ वेरी डेंजरस गेम ऑल्सो। आपका हाथ भी टूट सकता है इसमें, आपकी कलाई भी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपने आर्म्स को आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है, इतना मजबूत बना लेना है कि आप जिससे भी आर्म रेसलिंग करो, अगर कहीं बाई चांस 19-20 का कुछ दिक्कत हो जाए तो आपने क्या उसको कवर कर लेना है। तो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्म रेसलिंग के 3-4 पॉइंट कौन से ऐसे हैं जो आपने ध्यान देने हैं, जो आपने कॉन्सेंट्रेट करना उस चीज़ में। जैसे मैंने आपको बताया, आपके आर्म्स बहुत मजबूत होने चाहिए। मेरे पास कोई आर्म्स रेसलिंग के लिए कोई स्पेशल प्लेस नहीं है, बट मैंने छोटा सा इसको प्लेस ऐसे बना लिया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बेसिकली कैसा स्टेज होता है आर्म रेसलिंग का। ऐसी एक स्टूल लगा होगा, ऐसे स्टूल टाइप का एक होता है, उसमें क्या होता है, लेग आपकी ये आगे होना चाहिए, यहाँ पर एक पकड़ने का होगा आपका स्पेशली हैंड, यहाँ से आप एक होल्ड करने के लिए होता है, और इस तरीके से जो है आपका हाथ का मूवमेंट होता है। आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, यस, इसको यहाँ ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। अब आर्म रेसलिंग में क्या होता है, देखो दोनों का ये पोर्शन दोनों का बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आप इस तरीके से नहीं करना है, आपने इसको ऐसे पकड़ना है इस तरीके से। अब इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने सामने वाले को बीट करना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने उसके क्या है, आर्म्स को तोड़ना है आपने उसके। वो कैसे तोड़ोगे आप, सबसे पहले आपने उसको अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ खींच के आपने नीचे गिरा देना है। ये पहला पॉइंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। दूसरा क्या होता है, अगर सामने वाला स्ट्रांग है, आपको लगता है स्ट्रांग है, तो आपने दूसरा पॉइंट क्या करना है, आपने ये रखा है इस तरीके से रखा है, अगर आप अपनी कलाई को ऐसे अगर होल्ड कर देते हो तो सामने वाला, आप कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आपकी कलाई को गिरा नहीं पाएगा। आपने इस तरीके से रखा, सामने वाले का क्या लॉक हो गया यहाँ पर, अब लॉक हो गया, अगर वो अपनी तरफ को प्रेशर करेगा भी तो आपका जो है आर्म जहाँ से हिलेगा नहीं। और दूसरा, आपने अपनी तरफ इसको खींचना है इस तरीके से, और ऐसे मोड़ के फिर से आपने जो है फिर से उसको ऐसे गिरा देना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं आपको, तीसरा आप अपने आप को सेव कर सकते हो। कैसे सेव कर सकते हो आप अपने आप को, अगर सामने आपको लगता है कि बंदा जो है बहुत स्ट्रांग है, या आपका हाथ को उसने क्या है आगे खींच लिया है, वो भी जो सामने खेलेगा आपको, उसको भी मालूम होगा कैसे आर्म रेसलिंग खेलनी है, तो आप उसको नॉलेज है कैसे करना है, जैसे आप खेल रहे हो वैसे उसको भी मालूम है, तो आप उससे बचना है। तो कैसे बचोगे आप उससे, आप हाथ को थोड़ा सा पीछे ले जाके इस तरीके से ऐसे टेढ़ा करके इस तरीके से उसको गिरा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपकी लॉक, ये जो लॉक है आपका फिर से लॉक बन जाएगा आपका, अगर उसने आपके हाथ को आगे खींचा और आपने इस तरीके से अगर ऐसे गिरा दिया ये इस तरीके से, तो आप जीत सकते हो। ये तीन पॉइंट आपको मैंने बताया। चौथा, अगर आप नॉर्मली खेलते हो लाइक स्टेट लेवल में नीचे खेलते हो, आगे तो खैर अलाउड नहीं होता, लेकिन मैं अगर बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है आप वीक हो गए कहीं पर, तो आप इसको इस तरीके से छोड़ोगे तो उसकी पकड़ जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसको इस तरीके से छोड़ दोगे तो उसकी पकड़ खत्म हो जाएगी, वहीं उसका जो है पूरा स्टेमिना उसका ख़त्म हो जाएगा। आप वहीं से उसको, जहाँ पर उसका स्टेमिना ख़त्म हो, वहीं से मोड़ के आप उसको फिर से गिरा सकते हो। तो ये जो गेम है आपकी कलाई का है। लेकिन गाइस, मैं फिर से एक बात बोलूँगा आपको कि आपने सबसे पहले अपना आर्म स्ट्रांग करना है,
अगर आपका आर्म स्ट्रॉन्ग है, शोल्डर स्ट्रॉन्ग है, ट्राइसेप्स आपका अगर मजबूत है तो आपका हाथ मजबूत होगा। आपने स्टार्टिंग की है और डायरेक्ट आप नेशनल में चले गए खेलने के लिए, स्टेट लेवल आपने कह दिया नहीं कि सामने वाले को चैलेंज कर दिया, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ ये हाथ भी टूट जाता है। बहुत डेंजरस गेम है, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है पहले। प्रैक्टिस करते 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 तब आप इसमें से चैंपियनशिप आप जीत सकते हो। गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ जाने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे एक लाइक बटन होगा, एक बेल आइकन होगा, उसको सेट कर दीजिए, जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।